नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बीते 1.5 साल से 5% बकाया महंगाई भत्ता का इंतजार कर रहे प्रदेश के 4,47,000 सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार मई में इसका भुगतान करने की तैयारी कर रही है। साथ ही पिछले साल जुलाई में रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना है। इस लाभ के बगैर 18,000 कर्मचारी पिछले साल रिटायर्ड हो चुके हैं। इस साल भी 21,000 कर्मचारी सेवानिवृत्त होना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि जैसे जैसे प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधरेगी, राज्य के कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते, वार्षिक वेतन वृद्धि और सातवें वेतनमान की अंतिम किश्त का भुगतान कर दिया जाएगा। राजधानी में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत होगी। भोपाल में 80 सेंटर पर कोरोना का वैक्सीनेशन किया जाएगा। विभिन्न सेंटर पर रजिस्ट्रेशन का काम सरकारी अधिकारी के पास ही रहेगा। वे ही इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन है उसी को वैक्सीन लग रहा है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने वैक्सीनेशन की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। वैक्सीनेशन के लिए स्मार्ट सिटी में कंट्रोल रूम बनेगा। सभी जगह एक साथ इस प्रक्रिया को एक साथ शुरू किया जाएगा। एक दिन में 8,000 से 10,000 लोगों का वैक्सीन लगाए जाने की तैयारी की गई है। सभी स्वास्थ्य कर्मियों के बाद फ्रंट लाइन वर्कर और उसके बाद दूसरे लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। एक सेंटर पर लगभग 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। गैस पीड़ित कैंसर मरीजों को अनुबंधित निजी अस्पतालों में इलाज से इनकार कर दिया है। इसकी वजह सरकार द्वारा गैस पीड़ितों के इलाज खर्च के 33 करोड़ रुपए का भुगतान अस्पतालों को नहीं करना है। इसका खामियाजा फेफड़े, ब्रेन, लीवर, ब्रेस्ट, मुंह का कैंसर सहित दूसरी बीमारियों के गैस पीड़ितों को भरना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक बकाया राशि का भुगतान नहीं होने से नवोदय कैंसर हॉस्पिटल ने गैस पीड़ितों का इलाज बंद कर दिया, जबकि जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल 15 जनवरी से कैंसर के नए मरीजों का इलाज नहीं करेगा। 30 जनवरी तक गैस पीड़ित मरीजों के इलाज के बिलों का बकाया भुगतान नहीं होने पर 31 जनवरी से पुराने मरीजों का इलाज भी अस्पताल प्रबंधन बंद कर देगा। मध्य प्रदेश में कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए अब नई पहल शुरू की जा रही है। इसमें अब राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत कक्षा 6वीं से 8वीं के गणित और विज्ञान विषय की गतिविधियों का ऑनलाइन प्रसारण किया जाएगा। इन्हें IIT पढ़ाएगा। हर बुधवार यानी कल से शाम 4 बजे से 5 बजे तक सभी विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देख सकेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 13 जनवरी को दोपहर 3 बजे किया जाएगा। यह ऑनलाइन कार्यक्रम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर द्वारा तैयार किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप